सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और एलर्जी तो हमने काफ़ी दिन पहले मैंने आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रखा था ना, तो मैं बोल रही थी कि हमने नए पशु लड़े, तो आ गए जी हमारे नए पशु। और आप पहले ना इसको उतारना मुश्किल होगा, क्योंकि अनजान पशु आता है तो उसे उतारना चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे लगेगी जीप, जीप तो साथ में लगती है, काउ शेड के साथ में ही। और ठीक है, उतारने और चढ़ाने में पर कई पशु ना बहुत ज़्यादा जिद करते हैं उतरने और चढ़ने में। गौरी और वृंदा को मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि वृंदा का रस्सा मैं खोल नहीं पाई, इसने बहुत ज़्यादा कस दिया था। और भैंस को मैंने अंदर कर दिया है, क्योंकि ताज़ा सूई भैंस को ना ठंडे में रखना नहीं होता है। और आज ही आज आ गई हमारी नई भैंस भी, कि बातचीत जो है ना काफ़ी दिनों से चली हुई थी, पर बस रेट सही नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, तो अब थोड़ा बहुत कम किया है। पर हमारे को ना भैंस पसंद आ गई थी, इसलिए हमने ले ली है। हमारे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं ना, वो तो भैंस को देख कर ही पहचान जाएंगे, क्योंकि ये भैंस जो है ये अपनों से ही आई है। तो मैं वहाँ से भी काफ़ी बार आपके लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रखा है, तो चलो देखती हूँ मैं किस किस ने पहचान ली नई भैंस को। ये है जी हमारी नई चोटी, अभी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई है इसकी। और ये है इसका बच्चा, वृंदा नई भैंस आ गई। अब ये करेगी तेरे साथ लड़ाई, है ना? चलो इतनी बंद होता एक बारे पानी तो नहीं पीना, पानी दिया उन्हें। ये तो टांके तो गर्म था। ले बस है पूजेगा ग्राउंड दे बस छड़ दो वे, नहीं पीना को दे और नहीं छड़ दो मान दे। ये जुठा नहीं पियोगे खुर, ये कटांग के दे पड़ा अबला। ओ ये चल झोटा तो भारी आ लाश। ये आ गई हमारी नई भैंस वृंदा। कैसा लग रहा है नई भैंस? बहुत बढ़िया लगना। वो जोड़ी जोड़ी होगी, मैं श्री जोड़ी होगी गाय रे। पता है वृंदा का उन्नी में भीतरो इस रस्सा कसी थ्रो पार दान दान भी खोली ला, मैं आई नहीं खुले नहीं मानते, फिर ये वृंदा मुझे बाहर ही लियाने पाई। ये सामे टखने की तुरा ओ इतने की तैयार सारी काटी आई, इतना की जेनर काटूगा देवरों ने। इससे पहले चामड़ी छिल तुरी बाहर ये थी, देख ये देखो देखती भी पाऊंगी इतने बड़े। मैं थी बोतल रखो रा क्या या बोतल दस मार के का या से से तू से की तेते ने दूर है। ये देख इस तुरा है इस रख वो ऐसा नया चोट आएगा है वो गाउड़ी है तू गाना रखो कौन करता है ये हाँ वृंदा नहीं है तो नई आइटम आया करो था ना। चलिए दुए इस कटो की बुला फिर निपल कर गए इस निपल दूर जो है तो निपल रही भारी ये त्यूंगा भी जे दुई है सारा
बस ये तू जीवे सिने खड़ाऊ को आऊं ए बु धुई लूं बार फिर भेग दूं के अंदर दो दो फटाफट दो फिर ले चल ये 4 बजे दो तू क्या करना काटा बांधना था ओरे बजे ओए ला चल ला भाई नंद कर जा तू है ना देवांगे पानी तो 4-5 दिनों से मैं अपने भैंस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आज 5-6 दिन हो गए भैंस को लाए हुए, तो आज आपको नई भैंस भी दिखाते हैं और अपने भैंस मतलब सारे पशुओं को दिखा देते हैं आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपको ताजा सुई भैंस की वीडियो देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो एक बार आपको ना अपने पशु दिखा लेते हैं, उसके बाद फिर हमें खेतों में जाना है। तो आज बादल भी आ गए, आसमान में बारिश हो जाती ना तो बहुत अच्छा रहना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बारिश हो ही नहीं रही है और याद भी भूल गई कि बारिश किस तरह से होती है। तो ये रहे हमारे छोटे छोटे से बच्चे दोनों, तो इन दोनों की जोड़ी यहाँ पे और भैंस की जोड़ी इस तरफ है, ये है नए वाले और ये है अपने वाले। ठीक है, अभी घास कम खा रही, खा तो रही है पर उतना ज़्यादा नहीं खा रही है अभी। ठीक है, 5 दिन हो गए इसको सोई हुई को, वृंदा और गौरी की जोड़ी यहाँ पे, अब जोड़ी जोड़ी होगी, जोड़ी यहाँ पे होगी, ये जोड़ी यहाँ पे होगी है और जोड़ी यहाँ पे होगी है और जोड़ी यहाँ पे बंधी हुई है, ये देखो जोड़ी जोड़ी होगी और कोई भी अकेला नहीं रहेगा, सब की जोड़ियाँ बन गई है, उनको दूर दूर बांधना पड़ता है क्योंकि आपस में अभी भीड़ रही है और तो सींग टूटने का भी खतरा रहता है। जैसे ही आपस में इनकी दोस्ती होती रहेगी तो इनको इकट्ठा करते रहेंगे, पर अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी 5 ही दिन हुए इसको सुई हुई को भी और इसको भी, 5 ही दिन हुए इनको, जिस दिन भैंस हुई थी उसी दिन ले आए थे इसको भी। अब घास दे दिया है इनके पास और अब हम सुबह सुबह ही आज जल्दी जल्दी फ्री हो गए, पशुओं का स्नान आज पंकज के पापा जी ने कराया है और मालिश भी इन्होंने की है पिछले कल भी और आज भी, और 4 दिन मैंने किए, हाँ 4 दिन मैंने की, 2 दिन इन्होंने कर दिए। ठीक है, आज का जो स्नान था वो इन्होंने करवा रखा है, मतलब पशुओं का पूरा काम, बाकी झाड़ू पोछा रोटी बर्तन ये मैंने किए क्योंकि हमें आज जाना है खेतों में। तो अभी सुबह के 10:30 बजे का टाइम हुआ है तो मैं जाना है क्योंकि हमारा खेतों में काम अब बढ़ गया है तो जाना पड़ेगा वहाँ पे। और चलो आज खेतों की वीडियो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों के साथ खेतीबाड़ी का वीडियो नहीं शेयर कर रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सुबह हम 4:30 बजे उठ गए थे, 4:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, अब जाकर जो सुबह की रूटीन है वो थोड़ी सी क्लोज हो गई है और अभी हम खेतों में जाएंगे और